हमारे साथ खारगर वार्ड 5 की बीजेपी नगर सेविका लीना गरड़ मैडम है। आपने पनवेल महानगर पालिका द्वारा जो टैक्स प्रणाली लागू की गई है उसके खिलाफ आपने लीगल नोटिस दी है। सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि पनवेल महानगर पालिका ने जो टैक्स प्रणाली लागू की है, जो टैक्स इम्पोज किया है, वो दरअसल है क्या जिसको लेकर आपने इसका कानूनी विरोध किया है? पनवेल महानगर पालिका की स्थापना अक्टूबर 2016 में हुई थी और उस हिसाब से अभी पहले हमारा जो खारगर नोड है, कलमबोली नोड है, कामोठा, तलोजा, खंदा कॉलोनी, ये सारे नोड्स पहले हमारे सिडको के अंडर थे। सिडको यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इनके अंडर नोड होने के बावजूद यहाँ पे कैसे है, जो डेवलपमेंट है, यहाँ का प्लानिंग है, वो सारा सिडको का है। सिडको ने ऑलरेडी हमारे नोड को डेवलप किया है, प्रॉपरली डेवलप किया है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हर जगह पे फुटपाथ जो बने हैं, ड्रेनेज है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, यहाँ पे एसटीपी प्लांट है, गोल्फ कोर्स है, सेंट्रल पार्क है, ड्रेनेज सिस्टम है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, इवन यहाँ की सिग्नलिंग है, ट्रैफिक सिग्नलिंग, ये सारा काम यहाँ पे सिडको ने ऑलरेडी किया है। मीन्स आपका जो घर है वो बन चुका है, रेडी है, खाली आपको मेंटेन करना है। तो जब ये पीएमसी का फॉर्मेशन हुआ है 2016 में, तब से अब तक 4-5 सालों में पीएमसी ने यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया हमारे एरिया में, बिकॉज हमारा एरिया अंडर सिडको है। तो अभी हमें खाली मेंटेन करना है पीएमसी को। तो मेंटेन करने के लिए पीएमसी ने जेन्युइन टैक्स, सिंपल टैक्स लगाना चाहिए, जो कि हम अपेक्षा रखते हैं पनवेल महानगर पालिका से। बट इन्होंने आज की डेट में जो टैक्स लगाए हैं वो देख के तो कोई भी बोलेगा कि क्या लगाया इन लोगों ने। इसे हम बोलते हैं जुल्मी कर बोल सकते हैं इसको। इस प्रकार से इन्होंने इस कोविड पीरियड में, जहाँ पे कोरोना में, पैंडेमिक में लोगों की बुरी हालत हो चुकी है, फाइनेंशियली और मेंटली भी लोग काफी डिप्रेस्ड हो गए हैं, इस हालत में आज पनवेल महानगर पालिका ने ये अन्याय टैक्स, अन्यायकारी टैक्स इम्पोज किया है। अगर आप कंपेयर भी करेंगे हमारे आसपास जो नवी मुंबई महानगर पालिका है, वहाँ का टैक्स रेट आप देखिए, वहाँ का टैक्सेशन देखिए, सिंपल टैक्स उन्होंने लगाया है। एनआरआई कॉम्प्लेक्स जाइए, नेरूल जाइए, वहाँ का 1 BHK फ्लैट जो रेट है, और यहाँ का 1 BHK का फ्लैट का रेट देखिए, कौन सा ज़्यादा होना चाहिए? हमारा ज़्यादा है। अच्छा, मतलब न्यूली फाउंड महानगर पालिका ड वर्ग में आती है, फिर भी हमारा टैक्स रेट नवी मुंबई से ज़्यादा है, जो कि हमें मंजूर नहीं है, इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। अब सत्तारूढ़ बीजेपी की नगर सेविका है और ये टैक्स जो इम्पोज किया गया है, जाहिर सी बात है महानगर पालिका और सत्तारूढ़ दल ने किया हुआ है, तो ये गलती किससे हुई है? एक्चुअली टैक्स लगाने का अधिकार जो होता है वो महानगर पालिका में जो महासभा होती है उस समय ये टैक्स हमारा रेजोल्यूशन पास होता है, और उसका अधिकार जो है जनरल बॉडी के जो मेंबर्स हैं, जैसे मैं खुद मेंबर हूँ जनरल बॉडी महासभा की, मैं एक महानगर पालिका के मेंबर हूँ, तो हम सब मेंबर मिलके ये टैक्स रेट कितना होना चाहिए, कितना टैक्सेबल वैल्यू होना चाहिए, ये हमारा अधिकार होता है और ये महासभा में ये मंजूर होता है। बट यहाँ पे ऐसा दिखने को मिलता है कि यहाँ जो सत्ताधारी पक्ष है वो लोग, उसके कुछ नेता जैसे हमारे सभागृह नेताजी हैं परेश जी ठाकुर, उन्होंने इसे किसी बिना किसी पूछे महासभा में इसको मंजूर करवा लिया। अच्छा, हमारी किसी की भी उन्होंने रिस्पांस, हमारी किसी की अनुमति नहीं ली, कंसेंट नहीं लिया किसी का भी, और बिना किसी से पूछे इसको महासभा में मंजूर करवा लिया, हमें बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। और इस तरह से रूलिंग पार्टी गलत तरीके से पनवेल महानगर पालिका चला रही है और कॉमन पब्लिक पे अन्याय कर रही है। चूंकि अभी 2016 की महानगर पालिका है, तो ये पहली बार प्रॉपर्टी टैक्स को तय करने का प्रस्ताव कब आया था महासभा? हमारी महासभा एक्चुअली हमारा पहली महासभा हुई 2017 में, जुलाई 2017 में, और हमारी महानगर पालिका फॉर्म हुई है 2016 में। तो टैक्स कैसे लगता है कि कभी भी जब भी कोई नई महानगर पालिका बनती है तो पहले साल जो उसका होता है, जो हमारी पुरानी ग्राम पंचायत थी उसके टाइम पे जो कर था, पर हमारा जो उसका जो दर होता है उसी दर में हमें पहले साल उन्होंने लगाना चाहिए। अच्छा, मतलब एज पर सेक्शन 129A कि जो हमारा ग्राम पंचायत का जो दर था उसी दर में पहला साल टैक्स होना चाहिए। यस, और सेकेंड ईयर हम लोगों का जो होना चाहिए वो 99A के अनुसार, किसी भी आर्थिक वर्ष, जैसे अभी हमारा 2017 और 18 ये हमारा आर्थिक साल है, तो हमारा 20 फरवरी 2017 को टैक्स रेट मंजूर होना चाहिए था महासभा में। महासभा में, ओके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसी प्रकार 2018 में होना चाहिए था मंजूर, वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ। डायरेक्ट 17 जनवरी 2019 इस दिन हमारी महासभा हुई और उस दिन महासभा में ये टैक्स का मामला सामने आया और इतना टैक्स, हमारा टैक्सेबल वैल्यू इतना है, इतना रेट रहेगा, ऐसे मान्यता मिली। लेकिन पहले पिछले 2-3 सालों में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अगर इस टैक्स को, अगर प्रणाली को लागू भी किया गया तो जो पंचायत का जो टैक्स स्ट्रक्चर था, जो रिटेबल वैल्यू था, उस हिसाब से पहले इसको इम्पोज करना चाहिए था,
उसके बाद महानगर पालिका करना चाहिए था। और कैसा होता है कभी भी, पहले साल तो आपको ग्राम पंचायत का रेट लगता है, सेकंड ईयर में आपको 20% ही का टैक्स लगता है, अच्छा, फिर 40%, फिर 60%, फिर 80%, फिर 100%, अच्छा, इस प्रकार से टैक्स रेट होता है। बट इन्होंने डायरेक्ट 100% ही लगा दिया पहले साल से, जो कि गलत है, गैर कानूनी है। महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं गणेश देशमुख, उन्होंने भी इस जो आपने सवाल उठाया कि टैक्स का ढांचा वो कहीं ना कहीं गलत है, और उसको लेकर कमिश्नर ने भी इसके लिए स्वीकार किया था कि कहीं की खामी हुई है, किस तरह से उन्होंने स्वीकार किया कि गलती हुई? मेरे पास आज ठहराव है, ये 17/1/2019 में जो हमारी महासभा हुई थी उसका ठहराव है यहाँ पे। यहाँ पे कमिश्नर ने खुद यहाँ पे उन्होंने अपनी गलती बताई है कि हम लोगों ने 20 फरवरी 2017 से पहले, उसी प्रकार दिनांक 20 फरवरी 2018 से पहले महानगर पालिका में जो ठहराव मंजूर होना चाहिए था टैक्स के विषय में, वो नहीं हुआ है। ये हमसे गलती हो चुकी है। अभी तीसरा साल शुरू हो गया है, अभी तक हम लोगों ने कोई ठहराव या दर निश्चित नहीं किए हैं। अच्छा। तो अभी हमें इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा और महानगर पालिका में इस आर्थिक वर्ष का ठहराव मंजूर करना पड़ेगा। मतलब इन्होंने 2-3 साल में ठहराव ही नहीं लिया है, उन्होंने गलती उन्होंने मंजूर की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं कहीं महानगर पालिका को अपनी गलती सुधारनी चाहिए थी क्या? महानगर पालिका और आयुक्त वो इस गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, कहीं दिख नहीं रहा है। क्योंकि पहले जब फरवरी 2021 में पहले नोटिस आई थी सब लोगों को कि आपको टैक्स इतना का लग रहा है, तभी हम लोगों ने, काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन यहाँ पे रेज किए कि इतना टैक्स हमें मान्य नहीं है। फिर उसके बाद लोगों का पब्लिक एजिटेशन देख के इन्होंने 30% हमारा 6 अप्रैल 2021 में एक महासभा हुई, उस टाइम 30% जो रेटेबल वैल्यू है वो कम किया गया। लेकिन मेरा कहना ऐसा है, जब सब्जी की कीमत 10 रुपया है, आप उसको 100 रुपये लगा रहे हैं, उस पर अभी हमें डिस्काउंट दे रहे हैं 30%, इसको कोई मतलब बनता नहीं है। इसको मतलब जब वो चीज़ ही नहीं इतनी महंगी, तो उसको आप इतना महंगा बता के फिर डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब आप तो मार्केटिंग कर रहे हो, कमा रहे हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है आपकी ये। इस तरह से ये अन्यायकारी कर पनवेल महानगर पालिका की जनते के ऊपर इन लोगों ने लगाया है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आपने इसके खिलाफ लीगल लड़ाई शुरू कर दी है, 7 वकीलों की टीम गठित की गई। इसके पहले आपने आंदोलन भी इसके खिलाफ किया था, अब लीगल लड़ाई कहां तक पहुंची है? हमारी जो लीगल लड़ाई है चल रही है, क्योंकि एज पर सेक्शन 131 एंड 132 की किसी भी सेवा पर, अभी हमारे यहाँ देखेंगे पनवेल महानगर पालिका में, तो जो सेवाएं हमें मिल रही है, जैसे स्ट्रीट लाइट्स है, वाटर सप्लाई है, पेड़ लगाना हो, ड्रेनेज है, सारी सेवाएं हमें सिडको दे रहे हैं, सिडको के लिए हम लोग सर्विस चार्ज भर रहे हैं। लोगों ने, यहाँ की जनता ने 2021 तक, मार्च 2021, अभी तो जुलाई चल रहा है, मतलब जुलाई तक का भी उन्होंने पेमेंट कर चुके हैं सिडको को। तो इसी सेवाओं के लिए, सेम सर्विसेज के लिए हमसे महानगर पालिका भी हमसे वही टैक्स मांग रही है, वो भी डबल मांग रही है, डबल मांग रही है। सिडको का अगर देखेंगे सर्विस चार्ज तो बहुत कम है, 500 रुपया है, तो वहीं पे महानगर पालिका उसको 5000 रुपीज चार्ज कर रही है, 10 टाइम्स मोर। सेवा एक ही है बट मांगने वाले 2 कंपनी हो गई यहाँ पे। तो इस तरह से ये सेक्शन 131 के अनुसार ये एकदम गैर कानूनी टैक्स यहाँ पे महानगर पालिका ने लगाया है। तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग लीगली आगे चल रहे हैं। अभी आपने फाइनली उनको नया कुछ नोटिस भेजा हुआ है, क्या कहना, कोई जवाब पनवेल महानगर पालिका की तरफ से आया है? कोई जवाब उनसे नहीं आया है, उन्हें खाली जल्दी है कि जल्द से जल्द लोगों से हमें टैक्स मिले, वसूली हो। ये वसूली चल रही है उनकी एक्चुअली। अच्छा। हर एक को पर्सनल मैसेज जा रहा है गणेश देशमुख के नाम से, जो हमारे आयुक्त हैं गणेश जी देशमुख, उनके नाम से पर्सनल मैसेज जा रहा है। कभी किसी महापालिका में ऐसा पर्सनल मैसेज आयुक्त के नाम से कहीं कभी नहीं गया है। बट यहाँ पे इतना ग्रीड है, इतना लालच है, कितना जल्दी हम लोग टैक्स वसूल कर सके, उसके लिए उन्होंने 31 जुलाई तक 15% डिस्काउंट जैसे घोषित किया, जैसे कुछ लॉलीपॉप दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं लोगों को, इस तरह से घोषित करके जल्द से जल्द टैक्स वसूल करने की मांग की है। लोगों को प्रेशराइज धमका भी रहे हैं एक अलग तरीके से कि आपको नहीं भरेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, जब्ती आएगी, जबकि हमारी जो डेट थी लास्ट ड्यू डेट वो 31 मार्च 2023 थी। बट इन्होंने प्रेशर में या फिर जानबूझ के लोगों को डराने के लिए उसको 1 ईयर रिड्यूस करके 31 मार्च 2022 कर दी, ताकि लोग और डर से डरे, डर के मारे लोन लेके टैक्स भरें, बट इनका टैक्स भरना ही है। इस तरह से ये लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आप किस तरह से देख रही हैं? अगर इसी तरह से मनमानी चलती रही तो जो सिडको जोन है उसके जो नागरिक हैं, जो उसके जो
संपत्ति धारक, उनको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? काफी बड़ा नुकसान है। अभी टैक्स कहाँ से भरेंगे? अभी अब देखेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज का इन्होंने 67% रेट लगाया है, डबल रेट लगाया है। देखेंगे तो कोविड पीरियड में हमारा 2 साल चला गया कोविड में, इस टाइम में सारे शॉप्स बंद थे, 1 साल तो पूरे दुकानें बंद थी, अभी 6 महीनों में खाली 4 बजे तो दुकानें चल रही हैं। तो इसमें कम, इसमें वो खुद का पैसा कमा नहीं पा रहे, पेट नहीं भर पा रहे, तो टैक्स कहाँ से भरेंगे? इनको इतना भी शर्म नहीं है महानगर पालिका को कि आप लोग किस तरह से आप टैक्स लगा रहे हैं इन लोगों के ऊपर, कितना अन्याय कर रहे हैं जनता के ऊपर। और इसमें सत्ताधारी भी उस शामिल हैं, सत्ताधारी और प्रशासन दोनों मिलकर हाथ में हाथ लेकर ये सब काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपने सत्तारूढ़ दल के साथ, खुद की अपनी पार्टी के साथ इस तरह की बगावत कर दी? तकलीफ देह हो सकती है, आपका पद जा सकता है। मैं यहाँ पे चुन के आई हूँ, जनता के लिए आई हूँ, ना किसी पार्टी की रक्षक करके या उनकी चापलूसी करने के लिए नहीं आई हूँ। कोई भी पार्टी हो, मुझे पार्टी से कुछ दुश्मनी नहीं है, बट यहाँ पे चल रहा है महानगर पालिका में बिकॉज मुझे जनता ने चुन के दिया है। मेरा काम है कि मैं जो भी करूँ जो जनता के लिए करूँ, बट इस तरह से यहाँ पे जो अन्याय हो रहा है, काफी सारी चीजें हैं इसमें, तो टैक्स का विषय नहीं है, काफी सारे हैं। मेरा कॉर्पोरेटर फंड जो पड़ा हुआ है, मेरा ही नहीं सभी का, सारे कॉर्पोरेटर्स का, वो यहाँ यूज होता नहीं है क्योंकि हमारा एरिया सिडको के अंडर है, ऐसा बताया जाता है। फिर टैक्स क्यों लेते हैं आप लोगों, आप हमसे इतना ज्यादा? अगर हमारा फंड आप यूज करने नहीं देते हैं, जो हमारा अधिकार है यूज करने का, वो यहाँ पे हमारा यूज नहीं होता है, क्योंकि आपका सिडको एरिया है। तो इस तरह से जब महानगर पालिका अन्याय कर रही है कि कोई काम यहाँ पे होने नहीं दे रही है, तो टैक्स क्यों भरे हम लोग? आपको टैक्स लेना है, टैक्स देखिए टैक्स देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जब महानगर पालिका बनती है टैक्स देना ही पड़ता है, बट उसके लिए भी कुछ होना चाहिए ना, जेन्युइन होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, मतलब उसका सदुपयोग अगर टैक्स का नहीं है। महानगर पालिका एक तरफ टैक्स की जबरन वसूली में लगी है, और दूसरी तरफ यह है कि नगर सेवकों का जो निजी फंड है, जो विकास के लिए ऑलरेडी जो जनता के काम के लिए दिया जाता है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या नहीं करने दिया जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक्चुअली जिम्मेदार है महानगर पालिका, जिम्मेदार है क्योंकि हमारा नोट सिडको के अंडर है। उनका कहना है कि आप एनओसी लेके आओ सिडको से, ये मेरा काम नहीं है ना, महानगर पालिका काम है सिडको से आप एनओसी लेके आओ, हमें बताते हैं कि आप एनओसी लेके आओ। तो इस तरह से काम तो करते हुए कुछ भी नहीं कर रही है महानगर पालिका, खाली अधिकार हमें दिखा रही है, अधिकार जता रही है। मगर देखा तो ये पूरा जो मुद्दा है, ये सिडको विकसित जोन के नागरिकों के लिए है। आपने आपने अपने ही पार्टी से आपने बगावत की है, प्रशासन से आपने उनके खिलाफ आपने ये कानूनी लड़ाई शुरू की है। चूंकि लड़ाई पब्लिक है, तो ये पब्लिक से आप किस तरह से अपील करना चाहेंगे कि आपका वो साथ दें? क्योंकि लड़ाई मेरी खुद की नहीं है, तो सारी पब्लिक की है, सारी जनता की है। तो जनता से मैं अपील करती हूँ कि सब मिलकर हमें लड़ाई लड़ें और आगे चल के किसी पर अन्याय ना हो, किसी के पॉकेट्स पर रॉबिंग ना हो, इसी के लिए हम लोगों ने कोर्ट में जाने का फैसला किया है। खारगर फोरम एक एनजीओ है, इसके माध्यम से हम बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करने वाले हैं। तो सभी लोग साथ दें और जल्दबाजी में टैक्स न भरें। जैसा कि देखा आपने, बीजेपी की सीनियर नगर सेविका लीना गरड़ मैडम ने ये पनवेल महानगर पालिका द्वारा जो टैक्स इम्पोज किया गया है, ये एक तरह से अन्यायकारक उसको आप बता रहे हैं। चूंकि यहाँ पर सिडको डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सारा विकास सिडको ने किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का पूरा जिम्मेदारी आज भी सिडको के पास है, और ऐसे में जब महानगर पालिका एक्स्ट्रा टैक्स ले रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठना लाजमी है। और अब ये लड़ाई जो है सिर्फ ये निवेदन तक नहीं, बल्कि अब कानूनी लड़ाई हो गई है। हम उम्मीद करते हैं जनता को इससे टैक्स से राहत मिले। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत से दोबारा आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत, लेकिन देश दुनिया और मुंबई नई की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।